हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीओई का मिड टर्म एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का पार्ट ए सेक्शन 1 सॉल्व करेंगे, जो कि आपको पता ही है 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि धनात्मक होते हैं? इन विच क्वाड्रेंट एक्सिस एंड ऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। तो हमें बनाने आते हैं, देखिए एक्सिस इस तरीके से, ये आपको x पॉजिटिव होता है, दिस इज x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव हमारे कहाँ जाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की प्रायिकता सदैव किस इसके और इसके बीच में रहती है? प्रोबेबिलिटी ऑन एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1। दशमलव निरूपण 0.48 और आपको पता ही है ये चलता ही जा रहा है, किस प्रकार का है? तो हम देख रहे हैं कि ये ऐसा नंबर है जिसकी भाग कभी खत्म नहीं हो रही, और साथ ही साथ सेम नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं 4848 4848। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अशांत आवर्ती। इसका आंसर क्या बनेगा? अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, और अशांत मतलब भाग खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, so this is non-terminating repeating। next, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया इज गिवन, हमें रेडियस बतानी है। तो हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का ही फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके नीचे लिख देंगे हम 5544, 4 पाई की वैल्यू रखेंगे एंड आर हमें पता नहीं है। अब जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4 × 22 दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको आप देख रहे हैं, कट सकते हैं हम 11 से। ध्यान रखिए छोटा नंबर नहीं जाने के 0, इसे काट सकते हैं हम, एंड दिस इज 63। तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 × 7, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट 63 × 7। अब आपको इसे सॉल्व करना पता है, हम यही इसके फैक्टर कर देंगे बिना मल्टीप्लाई किए हुए, सो आई कैन इजीली फाइंड आउट इट इज 7 और 9 का अंडर रूट 3, तो 21 सेंटीमीटर रेडियस हमारी आ गई। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कोण किस प्रकार के हैं? देखिए बेटा कितना इजी क्वेश्चन है, तो ये क्या बन रहे हैं? अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अंतः एकांतर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 50 डिग्री का संपूरक बताइए। तो संपूरक में क्या होता है? दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 50 डिग्री का संपूरक बताने के लिए हम इसे 180 में से माइनस कर देंगे, आंसर विल बी 130। सिक्स्थ क्वेश्चन, सभी पद लिखिए, सभी पद मतलब अलग अलग टर्म्स हमें बतानी है। तो फर्स्ट टर्म हमारी बन गई x क्यूब कॉमा माइनस 2x² माइनस 3x एंड 1। सेवेंथ क्वेश्चन, y के ऋणात्मक अक्ष नेगेटिव एक्सिस पर वह बिंदु बताइए जो x से 3 मात्रक दूरी पर है। तो अगेन हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं अपने, अब y नेगेटिव हमें पता है इस साइड होता है नीचे,
तो x से कितनी डिस्टेंस चाहिए उसे? 3 पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। तो नीचे आपको पता है ये माइनस थ्री होता है, माइनस थ्री, तो कौन सा पॉइंट बना ये? पॉइंट विल बी 0 माइनस 3। तीन डिस्टेंस होना चाहिए लेकिन पॉइंट कौन सा बनेगा? 0 माइनस 3। नेक्स्ट देखिए, मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट a रेस टू द पावर, a रेस टू द पावर x माइनस y, a की पावर y माइनस z एंड a की पावर z माइनस x। आप देख रहे हैं बेस सब में सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इसकी? ऐड हो जाएंगी। ऐड करने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलेगा। z से z कट गया, y से y कट गया और x से x कट गया, यानी कि सारी टर्म्स कट गई, क्या रह गया? जीरो। और किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर इज 1। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, चॉइस में रूट 2/√7 का रैशनलाइजेशन हमें करना है। √2/√7, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट सेवन से ही। तो ऊपर क्या बन जाएगा? √2 × √7 √14 और नीचे √7 √7 7 एंड दिस इज योर आंसर। कार्तीय अक्ष में x अक्ष और y अक्ष किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजन या मूल बिंदु, मूल बिंदु। टेंथ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं बेटा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सो d इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट, आइडेंटिटी का प्रूफ करके हमें ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज 201² - 200² तो कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं? a² - b² विच इज इक्वल टू, एक टाइम आप माइनस कर देते हैं और एक बार ये प्लस कर देते हैं इनटू में, सो इट बिकम्स 201 - 200 एंड 201 + 200। तो 201 में से 200 घटाएंगे, 1 आ गया और यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 401। नाउ 401 इनटू 1 इज 401। नेक्स्ट देखिए, मासिक यूनिट परीक्षा में इस तरीके से अंकों का प्रतिशत है, हमें बताना है कि 70% से अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 70%। तो आप टेबल में देखिए कितनी बार मोर देन 70% उसको गेन कर रहा है, तो 1, 2, 3 है ना, और टोटल एग्जाम कितने हुए हैं? 5। कितने बार उसको 70% से ज्यादा मिल रहे हैं? 3 बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 3/5। नेक्स्ट देखिए, 200 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया और उसमें से कितने स्टेट्स को लाइक करते हैं और कितने नहीं लाइक करते, इस तरीके से हमें डेटा दिया है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सांख्यिकी को पसंद करते हैं, तो इट बिकम्स 135/200। सरल कीजिए, हम लिख लेते हैं पहले 2√2 + 5√3 - √7 + 2√3। क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से कॉपी करना है, -5√2 - √7। अब सेम टर्म्स का आप कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा प्लस माइनस हम सेम लाइक टर्म्स में ही कर पा सकते हैं, सो रूट टू के साथ आपको रूट टू की ये टर्म मिलेगी, इसको इसके साथ ही लिख लेते हैं और देखिए कहीं नहीं है। अब आपने यहाँ से सेकंड टर्म उठाई 5√3, तो रूट थ्री के साथ कौन सी जाएगी? ये वाली 2√3। अब है गया हमारा -√7 और ये वाला टर्म -√7। आप काउंट कर लीजिए, हमने कोई टर्म छोड़ी तो नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी ऊपर भी 6 टर्म्स थी।
अब 2√2 − 5√2 सेम टर्म्स हैं, 2 − 5 एक तरीके से, सो इट इज −3√2 5 + 2 तो 7√3 −√7 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो इट बिकम्स −2√7 अब देखिए कोई भी टर्म सेम नहीं है, अलग अलग है सर, √2 √3 √7 तो आंसर हमारा यही रह जाएगा। नेक्स्ट, एक खनाप की लंबाई और चौड़ाई d सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम हमें बताना है, तो हमें फॉर्मूला पता है वॉल्यूम ओके क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच। अब एल भी यहाँ पे बी है, बी भी बी है, चौड़ाई भी बी है और एच एच ऊंचाई, तो ये क्या बन गया बी स्क्वायर एच। सेकंड देखेंगे चॉइस में, एक अर्धगोला हेमिस्फीयर का व्यास आर है, तो व्यास अगर आर है बेटा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, सबसे पहले आप यही इसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे, आर बाय टू हो गई त्रिज्या इसकी। अब बताना क्या है इसका सरफेस एरिया, अब आप फॉर्मूला लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर अर्धगोले का आय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला है तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला 2 π r² जबकि r यहाँ पे कितनी है, r हम यहाँ निकाल चुके हैं, इसको हम कैपिटल R लिख देते हैं r फॉर्मूले में। अब इसकी एक्चुअल r कितनी है, r/2, अब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 π r² / 4, तो ये बन गया π r² / 2, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि b of is used, then find the value of b of -3 + b of 1, तो dx हम लिख लेते हैं बेटा, इट इज 3x + 5, b -3 निकाल लेते हैं पहले, दैट मींस x की जगह आपको -3 रखना है, और ब्रैकेट में रखेंगे आप हमेशा वैल्यू, अब -3 × 3, दिस इज −9 + 5 −4। सेकेंड टाइम आपको b1 निकालना है, 3 × 1 + 5, तो ये बन गया 3 + 5 = 8। अब हमें निकालना है b of −3 + b1, दोनों को प्लस करना है, तो −4 + 8 आंसर इज 4। बड़ी टर्म का साइन ध्यान रखना है आपको। चॉइस में हमारे पास है 5x − 25 का शून्यक बताइए, तो शून्यक बताने के लिए हम =0 कर देते हैं, अब इसे सॉल्व कर लेंगे 5x = 25 x = 5। चार और पांच के बीच एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर आपको बताने है। बेटा इरेशनल नंबर आपको पता ही है, ऐसे नंबर जिनकी भाग कभी खत्म नहीं होती, वो नॉन रिपीटिंग भी होते हैं ना, तो चार से हमें आगे चलना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं 1 0 1 00 1 000, है ना, सो ऑन, कोई पैटर्न भी नहीं बनना चाहिए और वो भाग खत्म भी नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से हम अपरिमेय संख्या इसके बीच में लिख सकते हैं, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं 2 π 2 π 3 and 2 π 3 4 and so on। तो बेटा ये हमारा पार्ट वन यहाँ फिनिश हो जाता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है क्योंकि अभी हमारे आगे भी एग्जाम होंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।